हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम देखेंगे जनरलाइज ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया फिर स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया उसके बाद हम ट्रांसडक्शन के एप्लीकेशन को देखेंगे और फिर हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के बीच डिफ्रेंसेस को देखेंगे तो आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं सबसे पहले ट्रांसडक्शन क्या है ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इसमें पहले बैक्टीरिया को हम डोनर सेल कहते हैं और दूसरे को रेसिपियंट बैक्टीरिया कहते हैं और वायरल वेक्टर की मदद से इनका ट्रांसफर होता है इस केस में जो वायरल वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं इसको डिस्कवर किया था जिंडर एंड लेडरबर्ग ने आई एस के जनरल स्टेप्स को हम ब्रीफ में देखे इसे डिटेल में हमने नीट एग्जाम से रिलेटेड ट्रांसडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरियोफाज वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को जिन्हें की डोनर सेल कहते हैं और फिर इस डोनर सेल के मशीनरी को यूज़ करके ये मल्टीप्लाई करते हैं और उसके पश्चात फिर एक बार जब वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं तो ये रिलीज़ हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल के लाइसिस से जब ये वायरल पार्टिकल्स जो कि बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट को कैरी करते हैं आइदर सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट को या बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट और फाज जेनोम को ये जब इन्फेक्ट करते हैं दूसरे बैक्टीरिया को जिन्हें कि रेसिपियन बैक्टीरिया कहते हैं तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इनमें इंजेक्ट कर देते हैं ये जेनेटिक मटेरियल या तो रेसिपियन जेनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं या फिर ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रह जाते हैं इसलिए हम क्या कहते हैं कि ट्रांसडक्शन हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर का मेथड है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर डोनर बैक्टीरिया से रेसिपियंट बैक्टीरिया में होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होता है ट्रांसडक्शन में डोनर और रेसिपियंट बैक्टीरिया के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यहाँ वायरस वेक्टर की तरह काम करता है जो कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर डोनर से रेसिपेंट बैक्टीरिया में करता है क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट फ्रैगमेंट वायरल प्रोटीन कोट के अंदर पैक्ड होते हैं इसलिए डीएनए रेजिस्टेंट होते हैं डीएनए वैसे एंजाइम हैं जो कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करते हैं या डीएनए को डिग्रेड करते हैं ट्रांसडक्शन बैक्टेरियोफाज के लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल में अकर होते हैं बैक्टीरियोफास के लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को हमने डिटेल में नीट एग्जाम से रिलेटेड ट्रांसडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आइए हम इन्हें एक बार ब्रीफ में देखें बैक्टीरियोफास वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टेरियल सेल को और जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं फिर इस बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करके ये मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार जब वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती हो और ये वायरल पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं लाइटिक साइकिल वायरल एंड फाज के द्वारा होता है अब है लाइसोजेनिक साइकिल ये टेम्परेट फाज में होता है इसमें भी बैक्टीरियो वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे इनके जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल जेनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं और इसी तरह से इंटैक्ट रहते हैं और बैक्टीरियल जेनोम के साथ कई जनरेशंस तक रेप्लीकेट करते हैं जब इनका इंडक्शन होता है अल्ट्रावायलेट रेज ट्रेस के प्रेजेंस में या किसी तरह के केमिकल के एक्सपोजर से तो फिर वायरल जेनेटिक मटेरियल एक्साइज हो जाते हैं और लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं और फिर नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं अगर हम ट्रांसडक्शन के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जिन्हें शॉर्ट में जी टी कहते हैं और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन शॉर्ट में एस टी तो आइए हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन को डिटेल में देखते हैं हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन के स्टेप्स को देखते हैं ये वायरुलेंट फाज में लाइटिक साइकिल में होता है बैक्टेरियो वायरस सबसे पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसके मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं साथ ही बैक्टीरियल जेनोम भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है जब वायरस पार्टिकल्स की पैकेजिंग होती है तो कुछ बैक्टीरियल जेनोम फ्रेगमेंट भी गलती से वायरल पार्टिकल में पैक्ड हो जाते हैं और इनकी पैकिंग रैंडमली होती है यानी कि कोई भी जेनोम फ्रेगमेंट पैक्ड हो सकता है जब वैसे वायरस पार्टिकल्स जो कि बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करते हैं दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें हम रेसिपिएंट कहते हैं तो इस प्रोसेस को हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं क्योंकि यहां पे बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट का ट्रांसफर हुआ डोनर से रेसिपियंट में जब डोनर बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट कैरिंग फाज पार्टिकल दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो ये डीएनए फ्रेगमेंट इस बैक्टीरिया में इंजेक्ट हो जाता है उसके बाद इसके कई फेट हो सकते हैं या तो ये रेसिपियंट बैक्टीरिया के जनोम में इंटीग्रेट होकर रिकॉम्बिनेंट बनाता है या फिर ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रह जाता है और अन्य फेट भी पॉसिबल हैं इसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे आइए हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के कुछ फैक्ट्स को देखें सबसे पहले तो इसे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र होते हैं यानी कि बैक्टीरियल जेनोम फ्रेगमेंट जो ट्रांसफ़र होते हैं वो रैंडम होते हैं यानी कि कोई भी बैक्टीरियल डी एन फ्रेगमेंट ट्रांसड्यूजिंग फाज में पैक्ट होके ट्रांसफ़र हो सकता है इस वजह से बैक्टीरियल जीनोम के हर पार्ट के ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी सेम होती है और हर ट्रांसड्यूजिंग फाज क्लोजली लिंक जीन्स के डिफरेंस सेट को कैरी करता है जनरलाइज्ड ट्रांसड्यूजिंग फाज सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करते हैं वायरल डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी नहीं करते हैं और जेनरलाइज ट्रांसडक्शन के लाइटिक साइकिल में होता है वैसे बैक्टीरियल जेनोम फ्रेगमेंट जिनका साइज फाज जेनोम के रफली सेम होता है वे ही जनरलाइज ट्रांसडक्शन के समय ट्रांसड्यूजिंग फाज में गलती से पैक्ड होते हैं इनसे बड़े साइज के जेनोम फ्रेगमेंट पैक नहीं हो सकते हैं इसी वजह से जब लाइटिक साइकिल कंप्लीट होता है तो न्यू वायरस पार्टिकल जो कि बैक्टीरियल डीएनए से लोडेड होते हैं वे रिलीज होते हैं और फिर दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो जनरलाइज ट्रांसट्रक्शन के अनुसार वायरस पार्टिकल्स जो कि बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट से लोडेड होते हैं वे जब रिलीज हो जाते हैं तो ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इस बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट को इसमें इंसर्ट कर देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल डोनर सेल होते हैं और ये जो बैक्टीरियल सेल हैं उन्हें हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल डीएनए, मतलब डोनर बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट जो कि रेसिपिएंट सेल में बैक्टेरियोफास वायरस के द्वारा इंसर्ट होते हैं उनके तीन फेट होते हैं पहले फेट के अनुसार ये डीग्रेड हो जाते हैं डोनर डीएनए जब इंजेक्ट होते हैं तो ये फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं उसके बाद ये रेसिपियन बैक्टीरियल सेल के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं और इनको रिसाइकिल किया जाता है स्पेयर पार्ट्स के लिए इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम अनसक्सेसफुल जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं अब दूसरे फेट में क्या होता है अगर इंजेक्टेड डोनर डीएनए फ्रेगमेंट ओरिजिनली प्लाज्मिड हो तो ये सेल के अंदर रेसिपिएंट सेल के अंदर भी रीसर्कुलेट कर जाते हैं और फिर से प्लाज्मिड बन जाते हैं तो ये क्या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रह गए और ये रेसिपियंट सेल के जेनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करते हैं इस वजह से रिकॉम्बिनेंट नहीं बनता है और प्लाज्मिड या डोनर डीएनए फ्रेगमेंट में जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए एक्सप्रेस होते हैं इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम एबोटिव ट्रांसडक्शन कहते हैं अब चूंकि ये बैक्टीरियल जेनोम का पार्ट नहीं बनता है या रेसिपियंट जेनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करता है इसलिए ये रेप्लिकेट नहीं करता है इस वजह से जो बैक्टीरियल प्रोजेनी बनते हैं उनमें सिर्फ एक बैक्टीरियम में या एक बैक्टीरियल सेल में डोनर डीएनए फ्रेगमेंट रहता है फिर तीसरा फेट है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन अगर डोनर डीएनए फ्रेगमेंट होमोलोगस होता है रेसिपियंट क्रोमोजोम के किसी रीजन के साथ तो इनका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है इस वजह से रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं और ये स्टेबल होते हैं और ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि डोनर जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम कंप्लीट ट्रांसडक्शन या सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन कहते हैं आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं तो ये है रेसिपियंट बैक्टीरियल सेल और ये है रेसिपियंट बैक्टीरिया का अपना जनऊ ये है डोनर डीएनए फ्रेगमेंट जो कि ट्रांसड्यूसिंग बैक्टेरियोफाज वायरस के द्वारा रेसिपियंट बैक्टीरिया में इंसर्ट किया गया है अब इसके तीन फेट हो सकते हैं हो सकता है कि ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसके बाद फिर ये रेसिपियंट सेल के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं और इन्हें स्पेयर पार्ट्स की तरह यूज़ किया जाता है इस तरह ये रिसाइकल होते हैं इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम अनसक्सेसफुल जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं अगर ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट ओरिजिनली प्लाज्मिड होते हैं तो ये रेसिपियन सेल के अंदर भी रिसर्कुलेट करके फिर से प्लाज़मिड बनाते हैं अब ये इस बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट नहीं किया इस तरह से रिकॉम्बिनेंट नहीं बना जिसकी वजह से ये इस बैक्टीरियल जेनोम के साथ रेप्लिकेट नहीं करता है और ये जो डोनर जीन्स है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बैक्टीरियल प्रोजनी जो बनते हैं उनमें सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल या सिर्फ एक बैक्टेरियम में ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट या प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम एबॉटिव जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं अब तीसरा जो फेट होता है उसमें ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट अगर इस रेसिपियंट बैक्टीरियल जेनोम के कुछ रीजन के साथ होमोलॉजी शेयर करते हैं तो इनका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है इस तरह से ये इस बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट बन जाता है ये स्टेबल होते हैं और इस जेनोम के साथ रेप्लिकेट करते हैं साथ ही ये डोनर डीएनए एन फ्रेगमेंट अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को रिटेन करते हैं या फिर डोनर जीन्स एक्सप्रेस होते हैं इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम कंप्लीट ट्रांसटक्शन या सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन कहते हैं एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन की फ्रीक्वेंसी कंप्लीट ट्रांसडक्शन से दो या तीन मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है या फिर हम कह सकते हैं कि एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन कंप्लीट ट्रांसडक्शन के कंपेयर में फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ज़्यादातर सेल्स जो कि जनरलाइज ट्रांसड्यूजिंग फाजल से इन्फेक्ट होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं अब हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे सबसे पहले स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का डेफिनेशन क्या है यह वह प्रोसेस है जिसमें बैक्टेरियो वायरस डोनर जेनोम के स्पेसिफिक रीजन को रेसिपिएंट में ट्रांसफर करते हैं अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें तो यह स्पेसिफिक डोनर जीन्स का ट्रांसफर होता है और यह टेम्परेट फाज के द्वारा होता है स्पेशलाइज ट्रांसड्यूजिंग फाज बनते हैं जब फाज जो लाइसोजेनिक साइकिल में है वो लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं और फिर नए फाज पार्टिकल्स या फाज प्रोजेनी जो बनते हैं वो सेल के लाइसिस से रिलीज हो जाते हैं तो इन्हें हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाजिस कहते हैं आइए हम इसके मैकेनिज्म या स्टेप्स को देखें टेम्परेट बैक्टोरियो फाज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें इंजेक्ट कर देता है लाइसोजेनिक साइकिल में टेम्परेट फाज का डीएनए होस्ट चेनोम में इंटीग्रेट हो जाता है और इस केस में हम फाज डीएनए को प्रोफाज कहते हैं जब ये इंड्यूज होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या किसी केमिकल के प्रेजेंस में तब टेम्परेट फाज लाइटिक साइकिल को इनिशिएट करता है या टेम्परेट फाज में लाइटिक साइकिल इनिशिएट होता है इस प्रोसेस में फाज डीएनए होस्ट चेनोम से अलग हो जाते हैं या एक्साइज हो जाते हैं कभी कभी इस एक्सेशन में कुछ एरर आ जाता है मतलब इनका एक्सेशन गलत तरीके से या इम्प्रेसाइज तरीके से होता है तो उस केस में क्या होता है कि डीएनए जो एक्साइज होता है उसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स जो प्रोफाज के बगल में होते हैं वे भी एक्साइज हो जाते हैं और उसके साथ इंक्लूडेड हो जाते हैं इसलिए जो नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उसमें वायरल डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए के भी कुछ पार्ट पैक्ड हो जाते हैं और जब ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर देते हैं इस तरह से डोनर बैक्टीरियल जीन्स का ट्रांसफर रेसिपियंट बैक्टीरिया में हो जाता है डोनर जीन्स या तो रेसिपियंट बैक्टीरिया के क्रोमोजोम में इंसर्ट या इंटीग्रेट हो जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं अब रेसिपियंट बैक्टीरिया न्यूली एक्वायर्ड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्प्ले करता है या अन्य शब्दों में रेसिपियंट बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया के जीन्स को एक्सप्रेस करता है आइए हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के स्टेप्स को इस डायग्राम से समझते हैं ये है टेम्परेट बैक्टेरियो फाज वायरस इसने इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट किया इसे हम कहते हैं डोनर बैक्टीरियल सेल अब चूंकि ये टेम्परेट फाज है तो इसमें लाइसोजेनिक साइकिल होगा जिसकी वजह से ये फाज डीएनए इस बैक्टीरियल जिनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं अब इस फाज डीएनए को हम प्रोफाज कहते हैं तो यह कई जेनेरेशन तक इंटीग्रेटेड रहता है और उसके साथ रेप्लिकेट करता है जब ये इंड्यूस्ड हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में या कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में तब ये फाज डीएनए इस बैक्टीरियल जीनोम से अलग होता है कभी कभी जब ये इससे एक्साइज होता है या अलग होता है तो कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से इस फाज डीएनए के अटैचमेंट साइट के एडजेसेंट जीन्स या बगल के जो बैक्टीरियल जीन्स है वो भी इसके साथ एक्साइज हो जाते हैं और फाज डीएनए का कुछ पार्ट इस बैक्टीरियल जेनोम के साथ रह जाता है मतलब इसमें ये लैक करता है अब जब ये लाइटिक साइकिल में एंटर करता है तो नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं जिन्हें कि हम ट्रांसड्यूजिंग फाजेस कहते हैं क्योंकि इसमें फाज डीएनए का पार्ट और साथ ही कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं फिर ये ट्रांसड्यूसिंग फाजेस इस बैक्टीरियल सेल के लाइसिस से रिलीज हो जाते हैं जब ये नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें कि हम रेसिपियंट बैक्टीरिया कहते हैं तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर देते हैं उसके बाद या तो सिर्फ डोनर बैक्टीरियल जीन्स इस रेसिपियंट बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट करते हैं या फास्ट डीएनए का पार्ट और डोनर बैक्टीरियल जीन दोनों ही इस रेसिपियंट बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं इसे हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन या स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि इस तरह के ट्रांसडक्शन में जो जीन्स ट्रांसड्यूज होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं रैंडम नहीं होते हैं वे प्रोफाज या फास्ट डीएनए के इंटेग्रेशन साइट के नजदीक के जीन्स होते हैं या फिर नेबरिंग जीन्स होते हैं मतलब इसमें सिर्फ बैक्टीरियल जीन्स के कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेट ही ट्रांसफर होते हैं एक बैक्टीरिया डोनर से रेसिपियंट में कोई भी रैंडम जीन्स का ट्रांसडक्शन नहीं होता है इसलिए हम स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन या स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन टर्म यूज़ करते हैं इसका एक एग्जाम्पल है फाज लैमडा और इकोलाई यहाँ फाज लैमडा टेम्परेट फाज है और इकोलाई बैक्टीरिया है तो आइए हम इनके ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं जब फाज लैमडा जो कि टेम्परेट फाज है वो ई e. कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर देता है अब चूंकि इसमें लाइसोजेनिक साइकिल होता है इसलिए फाज डीएनए एन कोलाई के जेनोम के गैल और बायोजीन्स के बीच इंटीग्रेट हो जाते हैं जब इनका किसी तरह से इंडक्शन होता है तो ये लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं और तब इस इंटीग्रेटेड फाज डीएनए जिसे हम प्रोफाज कहते हैं उसका नॉर्मल एक्सीजन होता है तब जो नए फाज बनते हैं उसमें सिर्फ फाज डीएनए होते हैं बैक्टीरियल जीन्स नहीं होते हैं लेकिन रेयर केस में जो फाज डीएनए का एक्सीजन है वो एब होता है इसमें कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से प्रोफास के अटैचमेंट साइट के नजदीक के जीन्स इसके साथ एक्साइज हो जाते हैं जैसे गैल या बायोजींस और कुछ फाज जीन्स बैक्टेरियल जेनोम इंटीग्रेटेड रह जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं तो इस वजह से जो नए लैमडा फाज बने वे डिफेक्टिव होते हैं इन्हें हम ट्रांसड्यूजिंग फाज कहते हैं ये कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स और फाज जेनोम के पार्ट को कैरी करते हैं तो इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंस बने उन्हें हम रेयर रिकॉम्बिनेस कहते हैं क्योंकि इस तरह का एक्सीजन रेयर होता है जब इस तरह के ट्रांसड्यूसिंग फाज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं तो वे दूसरे बैक्टीरियम जिन्हें की रेसिपियंट बैक्टीरियम कहते हैं उन्हें इन्फेक्ट करते हैं और इन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर उन तक करते हैं तो यहाँ पे डोनर बैक्टीरियम के स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसफर होता है रेसिपियंट बैक्टेरियम में फाज लैमडा ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स के द्वारा तो ये स्पेशलाइज ट्रांसटक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें कि स्पेसिफिक जीन डोनर से रेसिपियंट में ट्रांसफर हो रहा है वायरसेस के द्वारा या यहाँ पे वेक्टर जो है वो फाज वायरस है आइए हम इस मेकेजम को डायग्राम से समझते हैं जब लैमडा फाज वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है यह है फाज लैमडा डीएनए और ये है बैक्टीरियल डीएनए। अब चूंकि फाजलैमडा वायरस टेम्परेट फाज होता है इसलिए इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट कर जाता है ये उनका अटैचमेंट साइट है और ये है इंटीग्रेटेड फाज डी डीएनए और इस इंटीग्रेशन साइट के एडजेसेंट बैक्टीरियल जीन्स होते हैं ये है गैल और बायोजीन्स तो ये कई जनरेशन तक इसी तरह इंटीग्रेटेड रहते हैं और बैक्टीरियल डीएनए के साथ रेप्लिकेट करते हैं जब इनका इंडक्शन होता है अल्ट्रावायलेट रेज या केमिकल्स के प्रेजेंस में तो इस इंटीग्रेटेड फाज लैमडा डीएनए का एक्सीजन होता है ज्यादातर केसेस में एक्सीजन करेक्ट होता है कंप्लीट फाज डी डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से एक्साइज हो जाता है और इसमें कोई भी बैक्टीरियल जीन्स नहीं होता है लेकिन कुछ रेयर केसेस में इनका एक्सीजन इनकरेक्ट होता है वैसी स्थिति में फाज लैमडा डीएनए का कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड रह जाता है मतलब ये इसमें लैक करता है या मिसिंग होता है और साथ ही इंटीग्रेशन साइट के एडजेसेंट बैक्टीरियल जीन्स इसके साथ एक्साइज हो जाते हैं इस केस में गैल या बायोजीन्स का एक्सीजन होता है तब हम इसे डिफेक्टिव फाज लैमडा डीएनए कहते हैं गैल जीन्स गैलेक्टोज फर्मेंटेशन के लिए और बायोजीन्स बायोटिन सिंथेसिस के लिए तो इम्प्रेसाइज एक्सीजन से रिकॉम्बिनेंस बनते हैं जिन्हें हम रेयर रिकॉम्बिनेन्स कहते हैं क्योंकि इस तरह का एक्सीजन रेयर होता है आइए हम इन रेयर रिकॉम्बिनेंस को देखते हैं पहला है लैमडा गैल पार्टिकल्स इसमें टेल जीन्स और कभी कभी जीन्स और कभी-कभी हेड लैक करते हैं, जो कि कि फाज एन डीएनए के राइट एंड में लोकेटेड होता है चूंकि ये एसेंशियल जीन्स हैं इसीलिए जो फाज लैमडा गैल ट्रांसड्यूजिंग पार्टिकल्स बनते हैं वे लाइटिक साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इसलिए ये डिफेक्टिव होते हैं और इन्हें लैमडा डी गैल से डिनोट किया जाता है जहां डी का मतलब है डिफेक्टिव तो हमने क्या देखा कि जो ट्रांसड्यूजिंग पार्टिकल्स बने उसमें कुछ एसेंशियल जीन्स जैसे कि हेड और कभी कभी टेल जीन्स ये मिसिंग होते हैं तो अब हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि तो ये ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स बनते कैसे हैं स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि जो प्रोफाज हैं फाज डीएनए जो कि बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेटेड है उसमें सारे असेंशियल जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इस वजह से नेसेसरी जीन प्रोडक्ट्स भी जो होता है जैसे कि हेड और टेल प्रोटीन्स वे भी प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स आसानी से बन जाते हैं और इस प्रोफाज का जब एबरेंट एक्सीजन होता है तो इसकी वजह से जो ट्रांसड्यूसिंग फाजेस बनते हैं उनमें कुछ फास्ट डीएनए लैक करते हैं इसमें फास्ट डीएनए के कुछ पार्ट और कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स पैक्ट होते हैं तो यहाँ पे एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ये जो एसेंशियल जीन्स हैं वो इसमें लैक करते हैं इस वजह से इन एसेंशियल जीन्स के अभाव में ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है या इनमें लाइटिक साइकिल नहीं होता है दूसरे जो रेयर रिकॉम्बिनेंट हैं, है उन्हें हम कहते हैं लैमडा बायो इन लैमडा बायो ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स में प्रोफास के लेफ्ट एंड के कुछ जीन्स लैक करते हैं जो है आईएनटी और एक्साइस लेकिन ये फाज यूजुअली प्लाक फॉर्मिंग होते हैं इन्हें हम कहते हैं लैमडा पी बायो जहां पी का मतलब है प्लाक इसका कारण यह है कि इसमें जो जीन्स मिसिंग होते हैं या जो जीन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं वे लाइटिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं इस वजह से जो ट्रांसड्यूजिंग फास्ट पार्टिकल्स बनते हैं वो लाइटिक साइकिल के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर लाइटिक साइकिल परफॉर्म कर सकते हैं आइए अब हम इन रेयर रिकॉम्बिनेंस को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ये है बैक्टीरियल डीएनए जिसमें कि फाज लैमडा डीएनए ने इंटीग्रेट किया रेयर केसेस में इनका एक्सीजन इम्प्रेसाइज होता है मतलब इनकरेक्ट होता है कुछ केस में टेल और हेड जीन्स जो कि उसके राइट right एंड में प्रेजेंट है वो एक्साइज नहीं होते हैं ये मिसिंग होते हैं और कुछ बैक्टीरियल जीन्स जैसे इस केस में गैल जीन्स एक्साइज हो जाते हैं इस फाज डीएनए के साथ तो जो एक्साइज डीएनए हुआ उसे हम कहते हैं लैमडा डी गैल डीएनए यहां डी का मतलब है डिफेक्टिव अब ये डिफेक्टिव क्यों है क्योंकि इसमें एसेंशियल जीन्स जीन्स हेड और टेल मिसिंग तो जो नए वायरस पार्टिकल बने उन्हें हम लैमडा डी गैल कहते हैं या ट्रांसड्यूसिंग फाज पार्टिकल्स कहते हैं तो डोनर बैक्टेरियम में ट्रांसड्यूसिंग फाज लैमडा पार्टिकल्स बने क्योंकि हेड और टेल प्रोटीन जो कि एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स है वो प्रेजेंट है क्योंकि इनकरेक्ट एक्सीजन के बावजूद ये जो बैक्टीरियल डीएनए एन हैं उनमें ये इंटीग्रेटेड हैं तो डोनर बैक्टीरिया में तो फास्ट पार्टिकल्स बनेंगे फिर इन डोनर बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस होता है और फास्ट पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं लेकिन जब ये फाज पार्टिकल्स ट्रांसड्यूसिंग फास्ट पार्टिकल्स नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें कि हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं तो उस केस में फिर फर्दर इन फाज पार्टिकल्स का रिप्रोडक्शन नहीं होता है मतलब ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें एसेंशियल जीन्स मिसिंग है इस वजह से एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स हेड और टेल प्रोटीन ये भी मिसिंग होते हैं तो नए फास्ट पार्टिकल्स नहीं बन पाते हैं इसी वजह से हम इसे डा डी गैल या लैमडा डिफेक्टिव गैल पार्टिकल्स कहते हैं कुछ केस में एक्सीजन जब होता है तो उनके लेफ्ट एंड के कुछ जीन्स मिसिंग होते हैं इस केस में आई और एक्सआईएस जो कि एसेंशियल जीन्स नहीं है और साथ ही बैक्टीरियल जीन इस केस में बायोजीन इसके साथ एक्साइज हो जाते हैं तो ये जो डीएनए बना उन्हें हम लैम्डा पी बायो कहते हैं अब ये डोनर बैक्टीरिया में आसानी से लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं नए वायरस पार्टिकल्स बनते हैं जो कि डोनर बैक्टीरिया के लाइसिस से रिलीज होते हैं अब जो ये ट्रांसड्यूजिंग पार्टिकल्स हैं वे जब नए बैक्टीरियल सेल यानी कि रेसिपियन बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो इस केस में भी ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं और नए वायरस पार्टिकल्स बनाते हैं क्योंकि इसमें जो जीन मिसिंग है वो नॉन एसेंशियल है और एसेंशियल जीन्स जैसे कि हेड और टेल जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए उनके एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से कि ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं फिर नए फास्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं उसके बाद फिर रेसिपियंट बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है और नए वायरस पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं इन्हें हम लैमडा पी बायो कहते हैं लैमडा पी बायो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेसिपियन बैक्टीरिया का लाइसिस करते हैं जिसकी वजह से कुछ क्लियर एरिया अपियर होता है बैक्टीरिया के ओपेक फील्ड में और इन क्लियर एरिया को हम प्लाक कहते हैं इसलिए हम इन्हें प्लाक फॉर्मिंग कहते हैं मतलब ये रेसिपियन बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करते हैं और वायरल पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं आइए हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं ट्रांसडक्शन का न्यूमरस एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं पहला है जेनेटिक मैपिंग तो ये जेनेटिक मैपिंग में यूजफुल होता है जेनेटिक मैपिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रोमोसोम में जीन्स के रिलेटिव लोकेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है ट्रांसडक्शन इवेंट के फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके जेनेटिक मार्कर्स के बीच के डिस्टेंस और उनके ऑर्डर को डिड्यूस किया जा सकता है और इस तरह से यह हमें बैक्टीरियल जेनोम के ऑर्गेनाइजेशन को बताता है या ये बैक्टीरियल जेनोम के ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है दूसरा है जीन ट्रांसफर और जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ट्रांसट्रक्शन को जीन ट्रांसफर और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज किया जा सकता है रेसिपियंट बैक्टीरिया में स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इस तरह से डिजायर्ड फीचर्स का ट्रांसफर किया जाता है या जीन फंक्शन की स्टडी की जाती है और वे उस स्थिति में भी बेनिफिशियल होते हैं जब बैक्टीरिया को किसी दूसरे मेथड या किसी अन्य मेथड से ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन और इसमें जो जेनोम फ्रेगमेंट जो कि ट्रांसड्यूस होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है क्योंकि वायरल पार्टिकल्स में जेनोम के स्मॉल साइज ही पैक्ड हो सकते हैं तीसरा एप्लीकेशन है जीन थेरेपी में ट्रांसट्रक्शन को भविष्य में जीन थेरेपी में भी यूज किया जा सकता है यह वो साइंस है जिसके द्वारा फंक्शनल जीन्स को टारगेट सेल में डिलीवर करके जेनेटिक प्रॉब्लम्स को करेक्ट किया जा सकता है तो वायरल वेक्टर्स को यूज करके ट्रांसट्रक्शन के द्वारा थेराप्यूटिक जीन्स को स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज में ट्रांसफर करने के क्षेत्र में रिसर्च चल रहा है या रिसर्च किया जा रहा है थेराप्यूटिक जीन्स वे जीन्स है जो कि इलनेस को क्योर करते हैं चौथा एप्लीकेशन है एंटीबायोटिक रिसर्च ट्रांसट्रक्शन को यूज करके जीन्स का ट्रांसफर किया जा सकता है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से ससेप्टिबल बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन के द्वारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का बैक्टीरियल पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा जा सकता है ट्रांसट्रक्शन हमें माइक्रोबियल कम्युनिटीज में रेजिस्टेंस जीन्स कैसे एक्वायर होते हैं इसके मैकेनिज्म को समझने में और कैसे स्प्रेड होते हैं इसके डायनेमिक्स को समझने में हेल्प करता है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हेल्प करता है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सरवाइव करने में और जब ये एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंट में सर्वाइव करते हैं तो फास्ट पॉपुलेशन भी ग्रो करता है पांचवा है बैक्टीरियल इवोल्यूशन और हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर ट्रांसडक्शन बैक्टीरियल इवोल्यूशन को प्रमोट करता है जेनेटिक मटेरियल में जो एडवांटेजेस फीचर प्रेजेंट होते हैं उसे ट्रांसडक्शन के द्वारा बैक्टीरियल स्पीशीज या स्ट्रेन्स के बीच ट्रांसफर किया जाता है तो ये हेल्प करता है बैक्टीरियल पैथोजन के इवोल्यूशन, वायरलेंस फैक्टर के एक्विजिशन मतलब वायरलेंस फैक्टर कैसे एक्वायर किए गए और साथ ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के डेवलपमेंट की स्टडी में सिक्स है फास्ट थेरेपी फास्ट थेरेपी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बैक्टीरियो फाजिस को यूज करके बैक्टीरियल इलनेस को दूर किया जाता है या बैक्टीरियल इलनेस के अगेंस्ट फाइट किया जाता है इन फाजिस को यूज करके जीन्स या जेनेटिक कॉम्पोनेंट्स का ट्रांसफर किया जाता है जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि टारगेट पैथोजेन को किल किया जा सके अगर हम सिर्फ जनरलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसका यूज किया जाता है लिंकेज इंफॉर्मेशन के स्टडी में जीन मैपिंग में दो डिफरेंट बैक्टीरिया के जेनोम को कंपेयर करने में और म्यूटाजेनेसिस एक्सेट्रा में तो अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसका यूज किया जाता है स्पेसिफिक जीन्स या चॉइस के जीन्स को आइसोलेट और इंसर्ट करने में एनिमल्स या प्लांट सेल्स में ताकि उनके जेनेटिक कॉन्स्टिच्यूंट को मॉडिफाई किया जा सके और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्टेन किया जा सके अगर हम ट्रांसडक्शन के एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन वेरियस फील्ड्स में है जैसे कि जेनेटिक रिसर्च में जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेडिकल फील्ड्स में और साथ ही बैक्टीरियल पॉपुलेशन के डायनेमिक्स को स्टडी करने में अब हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बीच डिफरेंसेस को देखते हैं स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन वायरलेंट फाज के लाइसोजेनिक साइकिल में होता है जेनरलाइज ट्रांसडक्शन में फाज बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं और फिर ये इमीडिएटली लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में फाज बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट करके जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करते हैं तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करते हैं तो जेनरलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट नहीं होता है इस वजह से प्रोफाज नहीं बनते हैं जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्रोमोजोम में इंटीग्रेट कर जाता है इस वजह से प्रोफाल्स बनते हैं इसी वजह से जनरलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए इमीडिएटली रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन बाद में शुरू होता है अब जब वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो नए वायरल पार्टिकल्स भी इमीडिएटली बनते हैं इस वजह से क्विकली बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है हो और नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जबकि अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो कई जनरेशन तक वायरल डीएनए इसी तरह से बैक्टीरियल क्रोमोजोम में इंटीग्रेटेड रह जाते हैं और इस वजह से बैक्टीरियल सेल की लाइसिस भी इमीडिएटली नहीं होती है जेनरलाइज ट्रांसट्रक्शन में बैक्टीरियल डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन में बैक्टीरियल डीएनए हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं जेनरलाइज ट्रांसट्रक्शन में नए वायरल पार्टिकल्स जो बनते हैं तो उनमें कुछ वायरल पार्टिकल्स में बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट रैंडमली पैक्ड हो जाते हैं अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं उनमें बैक्टीरियल जीन्स जो कि इंटीग्रेटेड साइट के एडजेसेंट होते हैं वे वायरल डीएनए फ्रेगमेंट के साथ नए वायरस पार्टिकल में पैक्ट होते हैं आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन में फाज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करके जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देता है और फिर इमीडिएटली डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है साथ ही बैक्टीरियल क्रोमोजोम भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं तो यहाँ वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोजोम में इंटीग्रेट नहीं होता है मतलब यहाँ प्रोफास नहीं बनता है उसके बाद फिर नए वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है जब नए वायरल पार्टिकल्स की पैकेजिंग होती है तो कुछ वायरल पार्टिकल्स में बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट रैंडमली पैक्ड हो जाते हैं तो बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट की जो पैकिंग होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है बल्कि रैंडम होती है उसके बाद फिर इमीडिएटली बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है और नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं जबकि अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन की बात करें तो इसमें जब जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट होते हैं तो ये इमीडिएटली रेप्लिकेट नहीं करते हैं बल्कि ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं इस वायरल डीएनए को अब हम प्रोफास कहते हैं ये कई जनरेशन तक इसी तरह रहते हैं और जब ये इंड्यूस होते हैं तब लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं उस समय इस प्रोफास का एक्सीजन होता है और इस एक्सीजन के समय बैक्टीरियल जीन्स जो कि इंटीग्रेटेड साइट के एडजस्टेंट होते हैं वे भी कभी कभी एक्साइज हो जाते हैं और वायरल डीएनए के कुछ पार्ट इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड रह जाते हैं इसलिए जब नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं तो उनमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम के स्पेसिफिक जीन्स और वायरल डीएनए एन फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे जो नए वायरस पार्टिकल बने उनमें जो बैक्टीरियल जीन्स पैक्ड होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं रैंडम नहीं होते हैं उसके बाद फिर बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है हो, और नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं तो इसमें बैक्टीरियल सेल की लाइसिस इमीडिएटली नहीं होती है बल्कि कई जनरेशन के बाद होती है जब ये लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो नए वायरल पार्टिकल्स बने या नए वायरसेस बने उनमें कुछ में सिर्फ वायरल डीएनए होते हैं जबकि अगर हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की बात करें तो नए वायरसेस जो होते हैं उनमें वायरल डीएनए के पार्ट होते हैं और साथ ही बैक्टीरियल डीएनए के भी कुछ जीन्स होते हैं तो जनरलाइज ट्रांस होती है जब वायरल पार्टिकल्स के के पैकेजिंग समय एरर होता है या गलती होती है स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन तब होता है जबकि प्रोफाज मतलब फाज डीएनए के एक्सीजन के समय एरर हो जाता है या गलती होती है इस वजह से हम कहते हैं कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपियंट बैक्टीरियल सेल में जो ट्रांसफर होता है फाज पार्टिकल्स के पैकेजिंग के समय मिस्टेक से होता है जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में ट्रांसफर होता है प्रोफाज के एक्सीजन के समय जब उसके इंटीग्रेशन साइट के नियर बाई बैक्टेरियल जीन्स एक्साइज हो जाते हैं तो जेनरलाइज ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल जेनोम का कोई भी सेगमेंट ट्रांसफर होता है मतलब इसमें जो ट्रांसफर है ये रैंडम है लेकिन अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए का स्पेसिफिक जीन्स ही ट्रांसफर होता है ये स्पेसिफिक है रैंडम नहीं है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के द्वारा ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन के बीच स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन के द्वारा जो ट्रांसफर होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन के बीच होता है जो कि साइट शेयर करते हैं जेनरलाइज ट्रांसट्रक्शन की फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली हाई होती है स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन की फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली लो होती है जनरलाइज ट्रांसट्रक्शन लेस सुटेबल है प्रोसाइज मैपिंग स्टडीज में क्योंकि इसमें रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट का ट्रांसफर होता है अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन की बात करें तो ये प्रिसाइज जेनेटिक मैपिंग के लिए यूजफुल है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसफर होता है जनरलाइज ट्रांसट्रक्शन का एप्लीकेशन है म्यूटेजेनेसिस में लिंकेज इंफॉर्मेशन के स्टडी में और दो डिफरेंट बैक्टीरिया के जेनोम्स को कंपेयर करने में स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन का एप्लीकेशन है चॉइस के जीन्स के आइसोलेशन और इंसर्शन में तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में जो वायरल पार्टिकल्स बने उसमें कुछ वायरल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वायरल डीएनए नहीं होते हैं और ये बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट रैंडम होते हैं मतलब रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट की पैकिंग होती है ये स्पेसिफिक नहीं होता है तो यहां पे जो फास्ट पार्टिकल्स बने जिसकी वजह से जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है या जिसकी वजह से ट्रांसफर होता है बैक्टीरियल जीन्स का डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में वो होता है नए वायरल पार्टिकल्स के असेंबली या पैकेजिंग के समय जब मिस्टेक होता है और अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसमें जो नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं उनमें वायरल डीएनए के पार्ट होते हैं और साथ ही कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं बैक्टीरियल डीएनए के जो कि वायरल डीएनए के इंटीग्रेशन साइट के एडजस्टेंट होते हैं तो यहां पे स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि नए वायरल पार्टिकल्स में पैक्ट होते हैं अलोंग विथ वायरल डीएनए तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है जिसमें कि बैक्टीरियल जीन्स डोनर सेल से रेसिपियंट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होते हैं वो पॉसिबल होता है प्रोफास के एक्सीजन के समय मिस्टेक होने से तो इस तरह के एक्सीजन में जो एरर या मिस्टेक होता है उसे हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं यहां पे बैक्टीरियल डीएनए या क्रोमोजोम में फाज लैमडा डीएनए इंटीग्रेट करता है ये है फाज लैमडा डीएनए और ये है बैक्टीरियल डीएनए इंटीग्रेशन के बाद इसे हम प्रोफाज कहते हैं जब लाइटिक साइकिल इंड्यूस होता है तो उस समय फाज लैमडा डीएनए का एक्सीजन होता है ज्यादातर केसेस में ये एक्सीजन करेक्ट होता है और नॉर्मल फाज लैमडा डीएनए एक्साइज हो जाते हैं लेकिन कभी कभी ये एक्सीजन इनकरेक्ट होता है मतलब इस एक्सीजन के समय एरर आ जाता है उस केस में प्रोफाज के इंटीग्रेशन साइट के जो एडजेसेंट बैक्टीरियल जीन्स होते हैं वे वायरल डीएनए के साथ एक्साइज हो जाते हैं इस केस में गैल या बायोजीन्स और वायरल डीएनए के कुछ पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड रह जाते हैं तो यहां पे बैक्टीरियल जेनोम के स्पेसिफिक जीन्स का एक्सीजन हुआ जो कि फिर ट्रांसफर होते हैं डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में फास्ट पार्टिकल्स के द्वारा इसे हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू